और अहम खबर आपको दें कि कंदील बलोच कत्ल केस में इंकशाफात का सिलसिला जारी है। वसीम ने कंदील को कत्ल करने से पहले डीजी खान से अपने चार दोस्तों को बुलाया। दोस्तों में वसीम का दोस्त कार ड्राइवर बासित भी शामिल है। वसीम के दोस्तों ने शाह सदरुद्दीन के मेडिकल स्टोर से नशावर गोलियां खरीदी। कत्ल के बाद वसीम ने कंदील का मोबाइल, जेवरात और पैसे भी उठाए। कार ड्राइवर बासित का मुफ्ती अब्दुल कवी से राबतों का भी इंकशाफ हुआ है। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मजीद तफसीलात जानेंगे। याकूब बुज़दार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डीजी खान से। याकूब, आगाह कीजिएगा, नए नए इंकशाफात सामने आ रहे, पुलिस अब तक कहां तक पहुंची है इस मामले पर? जी बिल्कुल, मुदसर इंकशाफात का सिलसिला हर रोज जारी है। वसीम के जहाँ अपने इंकशाफात कर रहे हैं, उन्होंने खुद इकरार भी किया है कि मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद थे, तो वहीं पे यहाँ जो जराए ने हमें कन्फर्म किया है उसके मुताबिक बासित जो एक कार ड्राइवर है जिसने 3500 रुपए लेकर वसीम के जो दुबा की तीन दोस्त से 5 बजे वारदात वाली शाम इन्हें पहुंचाया था मुजफ्फराबाद, जबकि जो वसीम था वो 2 दिन पहले वारदात से अपने घर मौजूद था। और नशावर जो 5 गोलियां खरीदी गई हैं वो भी मुबीना तौर पे शाह सदरुद्दीन के एक मेडिकल स्टोर से खरीदी गई हैं। और जो बासित है उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उसके मुफ्ती कवि से जो है वो रابطے थे और वो मुफ्ती कवि का रिश्तेदार बताया जा रहा है। ठीक है याकूब बुज़दार, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वसीम ने कंदील को कत्ल करने से पहले डीजी खान से अपने चार दोस्तों को बुलाया, उसमें कार सवार दोस्त भी शामिल था, कार ड्राइवर जिसके मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ ताल्लुकात भी बताए जा रहे हैं।